बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज प्राइस सेगमेंट। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे काफी दिनों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको कुछ ऐसे लैपटॉप्स की लिस्ट चाहिए जो 70,000 के अंदर में हो, और ये लिस्ट बनाने में मुझे काफी टाइम भी लग गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स बताने वाला हूँ। टोटल 15 लैपटॉप मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनमें से कुछ मुझे काफी अच्छे लगते हैं, वो सभी कुछ ये पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। आप शुरू करते हैं। इस वीडियो की मैंने चार कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी है बिजनेस लैपटॉप्स, मतलब वो कॉम्पैक्ट होंगे। दूसरी कैटेगरी जो है कॉमन पर्पस मल्टीपर्पस लैपटॉप, आपको एक जनरल पर्पस के लिए चाहिए, स्टूडेंट हो एज। तीसरी कैटेगरी है थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, या फिर आप एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो लैपटॉप्स कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफी अच्छे रहने वाले क्योंकि उसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक भी रहने वाला है। और चौथी फाइनल कैटेगरी होगी गेमिंग की, और गेमिंग वाली कैटेगरी मुझे काफी पसंद आई है। इसमें एक लैपटॉप मैं 2-in-1 कैटेगरी का भी आपको बता दूंगा। इन सारे टाइप्स के लैपटॉप को मिलाकर टोटल 15 लैपटॉप की लिस्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लिंक सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि तरह तरह के लैपटॉप्स की फीचर्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चाहो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, हर एक कैटेगरी के अलग अलग सेगमेंट बना हुआ है। बिजनेस कैटेगरी में सबसे पहला लैपटॉप है डेल की तरफ से। डेल का 5301 13.3 इंच के डिस्प्ले के साथ में ये आता है। IPS कैटेगरी का पैनल है इस डेल में, सबसे अच्छी बात है ये। उसके बाद इसमें 11th जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD लगी हुई है। इस लैपटॉप का वेट काफ़ी कम है तो आपको काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आप इसे ट्रेवल वगैरह करते हो। ये लैपटॉप का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी डेल की तरफ से है, ये टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी में आपको डेल की तरफ से देखने को मिल जाएगा। सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पर IPS कैटेगरी का पैनल है, जो कि डेल में एक काफी रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है देखने को। दूसरा लैपटॉप जो बिजनेस कैटेगरी में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है HP की तरफ से। HP का पवेलियन 13 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में ये आता है। मॉडल नंबर आप देख सकते हो क्लियरली स्क्रीन पे। इसमें लगा हुआ है i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पर आपको रैम 16GB की मिलती है और ये काफी अच्छा एडवांटेज है इसका। 512GB की SSD के साथ में ये लैपटॉप आता है और MS Office वगैरह सब कुछ इसमें प्रीबिल्ट है। हालांकि इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है डेल से। डेल वाला जो मैंने बताया उसका वेट इवन और भी ज्यादा हल्का है, 1.08 kg, वो काफी हल्का है। अगर आप इसका वेट देखो तो ये 1.24 kg है, जस्ट 200 ग्राम, थोड़ा सा वजन ज्यादा है, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये दोनों ही लैपटॉप जो मैंने बताए HP की तरफ से और डेल की तरफ से काफ़ी अच्छे हैं। आपको 16GB की रैम लेनी है तो साथ में आप HP वाला ले सकते हो, अगर आपको लाइट वेट लेना है तो डेल ले सकते हो। दोनों में ही आपको विंडोज 10 और MS Office का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो काफ़ी अच्छी बात है। नाउ कम्स द सेकेंड कैटेगरी विच इज कॉमन पर्पज लैपटॉप। इस तरह के लैपटॉप में आप कुछ भी कर सकते हो, हल्की फुल्की चीजें कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा फोकस जो मैंने रखा है वो है टॉप नॉच क्लास का प्रोसेसर। तो इस कैटेगरी में मैं आपको ऐसे ही लैपटॉप बताऊंगा जो कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आते हैं और काफी वैल्यू फॉर मनी भी है। कॉमन पर्पस कैटेगरी में सबसे पहला जो लैपटॉप है वो है लिनोवो की तरफ से, लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 5। ये लैपटॉप आता है राइजन 7 5700, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर की वजह से ये लैपटॉप काफी अपने कैटेगरी लीडर बन जाता है। ये प्रोसेसर अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था और इस कैटेगरी के प्रोसेसर पे काफ़ी कम लैपटॉप अभी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उसके साथ में लगा हुआ है 8GB का रैम और 512GB की SSD। अगर आप वेट को देखते हो तो वो भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1.39 kg का वेट देखने को मिलता है। और लुक एंड फील में भी ये लैपटॉप मुझे काफ़ी सही लगता है देखने में, साथ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी देखने को मिलता है। लिनोवो के हर एक लैपटॉप में एक प्राइवेसी शटर का फीचर आता है, जो कि एक एडिशनल एडवांटेज है यहाँ पर। बिल्कुल आंख बंद करके ये लैपटॉप आप खरीद सकते हो, मुझे लगता है कि ये काफी वैल्यू फॉर मनी है। एक हाई क्लास प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है 63,000 रुपीज में, विच इज मार्वलस। उसके साथ में यहाँ पर आपको एल्युमिनियम सरफेस टॉप। तो इवन अगर आप सोचो कि इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पे, अगर इसको और भी लैपटॉप से हम कंपेयर करते हैं, और ये सारे कंपैरिजन करके ही मैंने ये लिस्ट बनाई है, तो आपको सारे लैपटॉप काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं इस पूरी की पूरी लिस्ट में। दूसरा जो कॉमन पर्पस लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ASUS की तरफ से, ASUS VivoBook Ultra K14। ये मॉडल नंबर इसका आप देख सकते हो एग्जैक्टली स्क्रीन पर क्या है। ये भी लैपटॉप जो है Ryzen 7 के साथ में आता है, 5700U वाला प्रोसेसर, सबसे लेटेस्ट जनरेशन का। साथ में इसमें भी 8GB की रैम लगी हुई है और 512GB की SSD लगी हुई है।
विंडोज 10 एमएस ऑफिस वो सभी चीजें कॉमन है। हाँ, इसमें फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिलता है, वो एक अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी वाइज लिनोवो के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डाउन मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मेटेलिक बिल्ड खास तो नहीं है, ऐसा कोई क्लेम नहीं है कंपनी का कि यहाँ मेटेलिक बिल्ड वगैरह है। लेकिन इसमें रैम भी आपको देखने को मिल जाएगी 3200 मेगाहर्ट्ज की, और दैट इज वेरी फैंटेस्टिक पार्ट। ये दोनों ही ऑप्शन ASUS और Lenovo काफी अच्छे हैं, जिसका प्राइस आपको जब भी कम मिले इनमें से आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस जाता है यहाँ पर Lenovo को। अगला जो लैपटॉप मैं कॉमन पर्पस कैटेगरी में बताने वाला हूँ वो 15 इंच का है, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे अक्सर सिर्फ 15 इंच के ही लैपटॉप पूछते हो, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। Lenovo का IdeaPad Slim 5, ये भी Ryzen 7 के 5700U वाले प्रोसेसर के साथ में आता है। आप मॉडल नंबर एग्जैक्टली स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें भी सेम टू सेम वही बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है जैसी उसमें मिल रही थी जो मैंने पहले दिखाया। बस डिस्प्ले साइज का फर्क है और यहाँ पर रैम 16GB लगी हुई है। तो अब आपने अगर 16GB की रैम चूज करनी है तो आपको ये वाला लैपटॉप यूज करना चाहिए, ये वाला खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्राइस फैक्टर भी थोड़ा ज्यादा है, 68,000 तक इसका प्राइस चला जाता है। हो सकता है कभी सेल वगैरह में इसका प्राइस कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी। ये कैटेगरी ग्राफिक सेंट्रिक पर्सन के लिए काफी बढ़िया रहने वाली है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और लाइक करना ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि ये कैटेगरीज बनाने मुझे काफी टाइम लग गया और मुझे लैपटॉप डिसाइड करने में भी काफी टाइम लगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। पहला लैपटॉप जो ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ये सबसे सस्ता है ऑलमोस्ट और मुझे लगता है कि काफी सही प्राइस पे भी है। ये डेल की तरफ से है, डेल इंस्पिरॉन 3501, 15 इंच का ये लैपटॉप है। साथ में इसमें 11th जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगा है, 8GB की रैम लगी हुई है। इस लैपटॉप में 1TB की हार्ड ड्राइव के साथ में 256GB की SSD लगी हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो एज अ एडिशनल स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है थोड़ा, ये काफी सही रहने वाला है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको कुछ डेटा वगैरह भी सेव करना हो सकता है, तो उसके लिए ये काफी अच्छा रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर जो रैम लगी है वो थोड़ी सी डाउन है, 3200 मेगाहर्ट्ज की होती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल ये ठीक है। जो SSD लगी है वो NVMe SSD है, दैट इज अ वेरी फैंटास्टिक पार्ट। हाँ, यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा डेल में वो WVA टाइप रहेगा, IPS ग्रेड का तो नहीं रहेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में दूसरा जो लैपटॉप मैं रिकमेंड करूंगा वो है अगेन डेल की तरफ से। मैंने डेल की वेबसाइट पे थोड़े लैपटॉप्स वगैरह चेक किए, यहाँ पर मुझे काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी देखने को मिल गए। यहाँ पर डेल का ये इंस्पिरॉन 14 है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 1135G7 प्रोसेसर से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4.4 GHz तक इसकी टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी जाती है, जबकि जो 1135G7 होता है उसका सिर्फ 4.2 GHz तक होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको एक थोड़ा ज्यादा एडवांस मिल रहा है, i5 का 11th जनरेशन तो है लेकिन थोड़ा एडवांस्ड है। साथ में इसमें लगा हुआ है MX450 का ग्राफिक, 2GB का DDR5 वाला, और वो काफी फैंटास्टिक पार्ट है। 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD लगी हुई है। ये लैपटॉप भी काफी वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस पॉइंट पे। डेल की वेबसाइट से आप खरीद सकते हो या फिर Amazon वगैरह से अगर मिलता है और डिस्काउंट वगैरह पे तो वहां से भी आप खरीद सकते हो। अगला लैपटॉप जो ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में मैं बताऊंगा वो है डेल का, अगेन ये इंस्पिरॉन 15 है, सेम लैपटॉप है जो ये था वही ये चीज है, बस यहाँ पर डिस्प्ले साइज का फर्क है। तो आपको जो भी चूज करना है इन दोनों में से आप चूज कर सकते हो, दोनों एक ही प्लेस पे आते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम प्रोसेसर है, सेम रैम है, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द डिस्प्ले साइज इज डिफरेंट। उसके बाद जो अगला लैपटॉप मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में आपको रिकमेंड करूंगा वो है Lenovo की तरफ से Lenovo का IdeaPad 5i, एग्जैक्टली मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें भी आपको एल्युमिनियम सरफेस देखने को मिलेगा, मतलब मेटेलिक बिल्ड हो गया। एक अच्छी बात और है, MX450 का DDR6 वाला जो 2GB का ग्राफिक कार्ड यहाँ पर मिलता है, साथ में ये 69,900 रुपीस। एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आप ये लैपटॉप चूज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट, बैकलिट सपोर्ट, प्राइवेसी शटर सभी कुछ देखने को मिलता है। ये काफी अच्छा लैपटॉप है। 1TB की हार्ड ड्राइव के साथ में यहाँ पर 256GB की SSD लगती है। साथ में यहाँ पर लगा हुआ है जो NVMe SSD है वो। फिलहाल अगला जो लैपटॉप मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में बताऊंगा ये बिल्कुल टॉप नॉच है, क्योंकि यही एक लैपटॉप है जो कि मुझे बहुत ही वैल्यू प्रोवाइडेड लगता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन कभी कभी इसका सेल में प्राइस ना 65 से 70 के बीच में रहता है, और वो है HP का HP Pavilion DV84TX। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस लैपटॉप के बारे में बताया था आपको,
आप जाकर चाहो तो पुराना वीडियो वगैरह चेक कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, i5 का 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर 16GB की रैम है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर एक्स्ट्रा रैम होना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। HP के ये लैपटॉप में आपको 512GB की SSD मिलती है। यहाँ पर हार्ड ड्राइव कोई भी नहीं है। विंडोज 10 MS Office का सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर MX450 का ही ग्राफिक आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा प्राइस मुझे इसका ज़्यादा लग रहा है। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 68-69 तक रहता था, या फिर इवन कभी कभी 65 भी मैंने देख रखा है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि इससे बेटर वैल्यू और किसी भी लैपटॉप में आज की डेट में तो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आपको किसी सेल में सस्ता मिलता है तो आप यही लैपटॉप खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा एज अ बोनस टिप, ये 2-in-1 है। और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप 2-in-1 लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो मुझे लगता है कि डेल का ये लैपटॉप काफी नील्ड आउट करता है। राइजन 5 का 5th जनरेशन का प्रोसेसर लगा है 5500U। इसमें भी 8GB की रैम लगी हुई है और 512GB की NVMe वाली SSD लगी हुई है। 2-in-1 लैपटॉप में मैं आपको बस यही एकमात्र लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, ये काफी अच्छा है। नाउ कम्स द फाइनल कैटेगरी विच इज गेमिंग, एंड दिस इज पर्सनली माई फेवरेट कैटेगरी, क्योंकि इस टाइप के लैपटॉप में आप ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग हाई एंड गेमिंग, साथ में अच्छी खासी ग्राफिक डिजाइनिंग और अच्छी खासी कोई स्क्रिप्ट रन वगैरह करना हो, वो सब कुछ कर सकते हो आप इन लैपटॉप में। इसीलिए मुझे पार्टिकुलरली ये लैपटॉप्स काफ़ी पसंद है। एक बस थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहेगा कि आपको प्रोसेसर पे थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 70,000 के प्राइस पे आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी और साथ में एक लेटेस्ट प्रोसेसर मिले, ये कॉम्बिनेशन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी ब्रांड पे भी आपको कॉन्शियस रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड से, फॉर एग्जांपल एसर, बहुत सारे लैपटॉप ये लोग लॉन्च करते हैं अक्सर चीप चीप प्राइस पे। एसर के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि 3-3 महीने के बाद लोगों का हिंज खराब हो गया। मेरे फ्रेंड्स के पास ही था एसर का लैपटॉप और मेरे ऑफिस में भी कुछ लोगों के पास था, फिर वो हिंज ही जब ख़राब हो गया तो आप डिस्प्ले ही नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे अंदर का पूरा प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड लेकर जब आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अनॉइंग सिचुएशन हो जाता है। मैं देख रहा था कि एसर एस्पायर वगैरह के गेमिंग लैपटॉप भी हैं, लेकिन मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको मैं सिर्फ 4 लैपटॉप इस कैटेगरी में बताने वाला हूँ। सबसे पहला लैपटॉप गेमिंग कैटेगरी में लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग, यहाँ पे राइजन 5 का 4000 सीरीज का प्रोसेसर लगा है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ एक जनरेशन पुराना है। लेकिन ज़रा आप देखो 65,990 के प्राइस में इसमें आपको 16GB की रैम मिलती है, साथ में NVIDIA का GTX 1650 4GB DDR6 ग्राफिक मिलता है। ये काफ़ी एडवांस्ड ग्राफिक कार्ड है। ये सेम 1650 वाला ही ग्राफिक मेरे डेस्कटॉप में लगा हुआ है, तो ये लैपटॉप भी आपको वही चीज़ प्रोवाइड कर देता है और मुझे लगता है कि परफेक्ट रहेगा अगर आप 65,000 में ये लैपटॉप खरीदते हो बाकी सारे लैपटॉप से। बस यहाँ पर आप वेट तो रहेगा थोड़ा, यहाँ पर 2.2 kgs, वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इस लैपटॉप में हो सकता है आपको विंडोज ऑफिस वगैरह ना मिले, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्प्ले भी IPS ग्रेड का प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है, जबकि बाकी सारे लैपटॉप जितने भी मैंने बताए सब में 60Hz की यूजुअली डिस्प्लेज होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लैपटॉप बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है परफेक्ट प्राइसिंग पर। दूसरा जो लैपटॉप मैं आपको गेमिंग कैटेगरी में रिकमेंड करूंगा वो है MSI की तरफ से, विच इज़ माई फेवरेट काइंड ऑफ ब्रांड। मेरे इस डेस्कटॉप में भी मदरबोर्ड वगैरह और ग्राफिक्स वगैरह सभी MSI की तरफ से लगे हैं। लैपटॉप्स भी काफ़ी अच्छे बनाते हैं और एक ये जो गेमिंग लैपटॉप है MSI का, मुझे लगता है परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट में भी। ये लैपटॉप है MSI का GF63। ये काफ़ी वेरिएंट्स में आता है, इसके वेरिएंट्स अलग अलग होते हैं, 8GB पे, 16GB पे और अलग अलग। इसमें i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, बस एक जनरेशन ही बिलो है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ही पुराने जनरेशन के लैपटॉप बता रहा हूँ, जस्ट एक जनरेशन के प्रोसेसर पर कंप्रोमाइज़ करने की बात है, लेकिन आपको एक मैसिव डिफरेंस और मैसिव परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 8GB की रैम के साथ में लगा हुआ है 1TB का हार्ड ड्राइव और 256GB का SSD और 4GB का वही NVIDIA GTX 1650 वाला ग्राफिक। यहाँ पर जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो लिनोवो से तो थोड़ा कम है, लेकिन आप देखो कि प्राइसिंग भी कम है। 63,000 में आपको एक बहुत ही अच्छा
IPS डिस्प्ले वगैरह का पैनल भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी ग्राफिक वर्क वगैरह भी करना है, इन जनरल फोटोशॉप वगैरह करना है ना, परफेक्ट लैपटॉप आपके लिए रहने वाला है। और एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप चूज करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस लैपटॉप को। वो इसलिए क्योंकि इसका वेट फैक्टर बाकी गेमिंग लैपटॉप से काफ़ी कम है, 1.86 kg फॉर अ गेमिंग लैपटॉप इज वेरी लेस। अगला लैपटॉप जो गेमिंग कैटेगरी में मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये भी, HP का पवेलियन सीरीज का, बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ था। मुझे पता है ये लैपटॉप काफ़ी सेल वगैरह में 55,000 का भी इवन मिला है, कुछ लोगों ने खरीदा भी है। ये है HP का पवेलियन गेमिंग 15.6, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख सकते हो EC1048AX। यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है Ryzen का 5 4000 सीरीज वाला प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, जस्ट एक जनरेशन पुराना है। 8GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव, 256GB की SSD और साथ में NVIDIA का 1654GB वाला ग्राफिक कार्ड। 144Hz के रिफ्रेश रेट वाला यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है और साथ में डिस्प्ले IPS ग्रेड का भी है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। 250 nits की ब्राइटनेस के साथ में आता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, 1TB की हार्ड ड्राइव 7200 RPM वाली है, 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव से ये काफी फास्ट है। और एक अच्छी बात, आप इसकी रैम को एक्सपैंड भी कर सकते हो 16GB के साथ, तो इसमें आपको एक्सपेंडेबल स्लॉट वगैरह भी देखने को मिलता है। और इन केस आपको 65,000 में हो सकता है 2-3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर आपको 16GB की रैम यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ा एडिशनल एडवांटेज 144Hz का रिफ्रेश रेट इस प्राइस पॉइंट पे, बहुत ही अच्छा यूनिक ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम तो इस लैपटॉप के साथ में रहने वाली है, वो है इसका वेट, 2.25 kg, थोड़ा सा हैवी रहेगा। और सबसे लास्ट लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ASUS का टफ, काफी ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप रहा है ये इन द पास्ट। ये है ASUS का टफ गेमिंग F15, इसमें भी आपको i5 का 10300H ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें भी लगा हुआ है 1650 का 4GB ग्राफिक्स, साथ में 8GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 10 के साथ में ये भी आता है, 2.3 kg का है, थोड़ा ज्यादा हैवी है, मॉडल नंबर एग्जैक्टली ये है। अगर आपको वेट से प्रॉब्लम नहीं है ना लैपटॉप के, तो ये लैपटॉप आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा IPS लेवल का पैनल, साथ में HD 720 पिक्सल का कैमरा, वो सब कुछ कॉमन है, हर एक लैपटॉप में मैंने ध्यान रखा है कि ये सब चीजें हो। और साथ में आपको यहाँ पर RGB लाइटिंग, बैक लाइटिंग मिलेगी कीबोर्ड पे, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप इस तरह से थोड़ा कलरफुल भी रख सकते हो चीजों को। ये लैपटॉप मुझे पार्टिकुलरली काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगता है, आप आँख बंद करके खरीद सकते हो किसी भी पर्पज़ के लिए आपको ये लैपटॉप लेना है, तो मैं तो कहूँगा कि ये लैपटॉप लेना काफ़ी अच्छा है। लेकिन बाकी जो कैटेगरीज में मैंने लैपटॉप बताए वो भी अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब है उसमें। एज ए कॉमन पर्सन, एज ए फ्यूचर प्रूफ, अगर आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो, जो कॉमन पर्पज़ वाले लैपटॉप मैंने बताए थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। और बिजनेस कैटेगरी वाले लैपटॉप भी काफ़ी सही हैं, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से खुद चेकआउट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जाकर कोई भी ऐसे सवाल वगैरह हो तो पूछ सकते हो, या फिर मुझे Instagram @TechZonical पर पिंग कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।